तेईस महीने या जैसे सारे इलाज वगैरह हम नहीं कराते थे 65 साल के आसपास की उनकी उम्र है तो सब मुखिया ही करके वो सब कुछ संभालती है। उनके माता जी के नाम से 5 लाख रुपए की अलग से वो करवा सर। सबसे पहली बात थी कि मुख्यमंत्री जी से मैं बाहर चाहती हूँ, बातें खुद उनके सामने रखना चाहती हूँ। आज मेरी वो मांग पूरी हो गई, मैं गई, मैंने मेरी जो जो भी समस्याएं थी, सबसे पहली बात कि मेरे पति की जो निर्मम हत्या हुई है इसके लिए हत्यारों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, मेरे पति को न्याय मिले, मेरी वो मांग पूरी हुई। उसके बाद मैं मेरी नौकरी की बात थी, वो मेरे रहने की समस्या है, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, मेरे पति, मेरी सास, मेरे पति की जो बूढ़ी माँ है उनके लिए, मेरे बच्चों के भविष्य के लिए मैंने जिन जिन मुद्दों को उठाया सर के सामने कि हाँ सर मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी सर, मैं बिल्कुल असहाय हूँ, उन्होंने मेरी पूरी मदद करी। उन्होंने यही कहा कि हम हर समय आपके साथ हैं और हम आपको दोबारा स्टैंड लेने में पूरी हेल्प कर रहे हैं। मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। मैम क्या नगर निगम में ही नौकरी मिल रही है आपको? हम जहाँ पे होंगे अब जहाँ ये इनसे नहीं पूछने का है, जहाँ भी होगा सरकार चिंता करती है। सरकार पूरी तरीके से परिवार के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं परिवार से मिलना चाह रहे थे, आना चाह रहे थे, तो परिवार की तरफ से बात करने आए हैं। तो आप लोगों ने इच्छा जाहिर करी कि हम चल के उनसे एकांत में अपनी सारी बातों को हम उनके सामने रखना चाहते हैं, स्वयं वहीं पर चले। आज परिवार के साथ, बच्चों के साथ, मुख्यमंत्री जी से मिले थे। कल्पना जी ने विस्तार से अपनी सारी बातें रखी थी और इस प्रकरण का जो कठोरतम बिंदु हो सकता है कार्रवाई का, सरकार सिपाही की बर्खास्तगी की गई, उसको जेल भेजा गया है, FIR दर्ज कराई गई, उसके बाद जो कुछ FIR में और बातें थी उसकी पुनर FIR भी हुई। परिवार ने जिन जिन बातों को रखा है, सरकार ने सभी बातों को उस पर अमल किया। प्रारंभ से ही मुख्यमंत्री जी जिस दिन की एक घटना दुखद घटना घटी, उस दिन से ही सरकार जिस दिन घटना घटी है उस दिन से ही मुख्यमंत्री जी पूरे प्रकरण में मॉनिटर कर रहे थे। सिपाहियों की बर्खास्तगी भी है, उनको जेल हुआ है, परिवार को कोई सरकार ये पैसे से कोई सी चीज़ की कोई सहायता नहीं होती, लेकिन जीवन यापन भी एक बड़ा बिंदु है। 25 लाख रुपए जहां सहायता राशि के रूप में सरकार की तरफ से दिया गया है, वहीं बच्चों की पढ़ाई भी एक समस्या है, दोनों बच्चियां छोटी हैं, 5-5 लाख रुपए की अवधि उनके नाम रहेगी बच्चों के नाम, और बूढ़ी माँ भी हैं उनके नाम भी 5 लाख रुपए की अवधि रहेगी। ये कोई सहायता नहीं है, एक योगदान, एक कर्तव्य का निर्वहन है, और साथ में इनकी इस बात की भी चिंता है कि रहने की भी समस्या परिवार को है, तो इनके रहने की भी समस्या का सरकार उसको दूर करेगी, आवास की समस्या को भी, और पूरा जीवन कैसे चले, इतनी कम उम्र में मृत्यु है कि आगे परिवार चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो सरकार ने कल्पना जी को सरकारी नौकरी देने का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निश्चय किया है। परिवार के साथ पूरी तरीके से हैं और जो भी कठिनाई की है सरकार सतत इनके संपर्क में है। आप लोग ध्यान रखें और ये चीज़ चाहते हैं, पर परिवार चाहता है कि इसका राजनीतिकरण ना हो, तो इसलिए हम लोग मैं प्रारंभ से नहीं आया था, चूँकि बहुत पुराने संबंध इस परिवार के साथ मेरे रहे। आज
जब सुबह मैं खुद इनके पास आया था, मुख्यमंत्री जी आना चाह रहे, उनका नहीं हम चलेंगे साथ में, उनके घर पे चल के भेंट करें, तो हमें साथ में गए थे, अभी हम लोग लौट कर आए।